हेलो एवरीवन, मैं हूं महावीर जैन, वेलकम टू अवर चैनल व्लॉग सेंटर। दोस्तों, भिलाई में और पूरे प्रदेश में चार पांच दिनों से काफी मौसम सुहाना है। शाम होते ही काले बादल आसमान में छा जाते हैं और देखते ही देखते बारिश की रिमझिम फुहारे धरती को छूने लग जाती है। आज सुबह से ही काफी बारिश भिलाई में हो रही थी और आज 12 बजे के बाद चिलचिलाती हुई धूप खिली है और इस चिलचिलाती हुई धूप में हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो, एक नया व्लॉग लेकर के आ रहे हैं। भिलाई में जन्म लेना दोस्तों एक गौरव की बात है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में ही है। भिलाई स्टील प्लांट जहां पर रेल पातों का निर्माण होता है, भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में रेल पातों की सप्लाई भिलाई स्टील प्लांट द्वारा ही की जाती है। आज के कोरोना काल में भी जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफी मरीजों को हो चुकी है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे अन्य प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ के साथ ही भिलाई स्टील प्लांट से ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट के साथ ही दोस्तों भिलाई को एजुकेशन हब भी कहा जाता है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर उच्च स्तरीय राजस्थान कोटा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उच्च स्तरीय स्कूल्स हैं, प्लस यहाँ पर काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। इसी श्रृंखला में दोस्तों अब आने वाला है भिलाई में भारतीय औद्योगिकी संस्थान IIT इन भिलाई, जिसकी नींव 2016 की वर्तमान सरकार जो थी उसने भिलाई में 2016 अगस्त में ही रख दी थी। दोस्तों, भिलाई में IIT आने से भिलाई का गौरव और बढ़ेगा, भिलाई और भी ज्यादा गौरवान्वित हो जाएगा। प्लस दोस्तों, यहाँ के छात्रों को इंजीनियरिंग करने में काफी आसानी हो जाएगी और करोड़ों और लाखों के पैकेजेस वो जॉब करके पूरे विश्व में अर्न कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भिलाई में IIT आ रहा है उसका निर्माण L&T कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है और राइट नाउ मैं अभी खड़ा हूँ जेवरा सिरसा रोड में और अब हम लोग यहां से आगे बढ़ करके 102 किलोमीटर की दूरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और चल करके देखेंगे कि अभी IIT का कंस्ट्रक्शन किस स्टेज में पहुंचा है और L&T कंस्ट्रक्शन द्वारा किस तरीके से वहां पर IIT का निर्माण कार्य चल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर, अपने व्लॉग की ओर। तो अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने वीडियो में और देखिए, मैं आपको दिखा रहा था कि सिरसा रोड में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं IIT की ओर और दोस्तों काफ़ी ग्रीनरी है इस रोड पे, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे घरों का नहीं हुआ है। देखिए काफ़ी ग्रीनरी है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग किसी शहर में हैं। जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर काफ़ी हरियाली और ग्रीनरी मुझे नज़र आती है, काफ़ी ठंडक सी महसूस होती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए चारों तरफ यहाँ पर आपको खेती नजर आएंगे। राइट तरफ में आ रही है चौहान जी की सिंगापुर सिटी। आगे हम लोग दोस्तों और ये भी एक चीज बताना चाहूंगा कि आगे हम लोग प्रॉपर्टी ब्लॉगिंग भी करने वाले हैं और जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही होंगी पूरे छत्तीसगढ़ में वो सारी प्रॉपर्टीज का ब्यौरा मैं आपको लोगों को दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ L&T कंस्ट्रक्शन द्वारा IIT का जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है जेवरा सिरसा में। देखिए IIT भिलाई लिखा हुआ है यहाँ पर L&T कंस्ट्रक्शन द्वारा और ये देखिए काफ़ी बड़ी क्रेन यहाँ पर एक लगी हुई है और काफ़ी बड़े एरिए में, कई एकड़स में यहाँ पर IIT आ रहा है। तो दोस्तों अब मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी है, गाड़ी बंद कर दी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर की फेंसिंग, यहीं से IIT का कंस्ट्रक्शन चालू है और दिखाना चाहूँगा आपको कि काफ़ी बड़े एरिया में IIT का कंस्ट्रक्शन चल रहा है L&T कंस्ट्रक्शन द्वारा और जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी सारे एरिया में सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन ही नज़र आएगा। और देखिए L&T कंस्ट्रक्शन के काफ़ी वर्कर्स भी यहाँ से जा रहे हैं। क्यों भैया, कितने एकड़ में आ रहा है ये? लगभग कंफर्म नहीं है।
दोस्तों IIT के वर्कर्स जा रहे हैं और मैंने अभी उनसे पूछा कि कितने एकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल एरिया तो मुझे भी नहीं पता लेकिन उनको भी नहीं पता है ये बात इस बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, ये तो शुरुआत थी, आगे चल करके और देखते हैं कि आगे और क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कितने बड़े एरिया में क्या क्या चीज़ें IIT में आ रही हैं। जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी दोस्तों, देखिए ब्लू कलर की फेंसिंग जो आप लोगों को दिख रही है, इंटीरियर में नहीं जा सकता मैं क्योंकि अभी ये प्रोहिबिटेड एरिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। देखिए अंदर भी दो क्रेनें लगी हुई है, वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ से चालू है दोस्तों। ये बस दिखाता हूँ दोस्तों, मैं सामने आपको काफ़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है, यहाँ पर भी बेसमेंट पे, यहाँ पर पूरा बेसमेंट यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैं अब आ चुका हूं IIT भिलाई की कंस्ट्रक्शन साइट में और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा काफ़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए यहां पर ये है जुनवानी खमरिया गांव, लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी क्रेन्स यहां पर लगी हुई हैं और अंदर मैं आप लोगों को ज़्यादा अंदर तक नहीं ले जा सकता दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। रोड के दोनों तरफ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है LNT कंस्ट्रक्शन द्वारा। प्लस दोस्तों मैं अंदर नहीं ले जा सकता आपको क्योंकि बिकॉज दिस एरिया इज़ ए प्रोहिबिटेड एरिया, फिर भी मैं बाहर से आपको जितना दिखा सकता हूँ उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन को देखते हुए लगता है कि बस कुछ ही सालों में यहाँ पर ये IIT भिलाई का जो कंस्ट्रक्शन जो होने जो चल रहा है वो जल्द से जल्द यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको यहां पे पूरा व्यू। दोस्तों IIT भिलाई में यहां पर जो मेन अप्रोच रोड होगी वो तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक होना चाहिए कि धमदार रोड जो आगे से जो हाईवे जा रहा है वहीं से इसका मेन गेट होना चाहिए, क्योंकि इसके टोटल 4 गेट होंगे और वो चारों गेट चारों दिशाओं में खुलेंगे। और यहां पर देखिए सामने पूरी ट्रक्स यहां पर खड़ी हुई हैं और काफ़ी बड़े पैच काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस IIT में जितनी भी बड़ी IITs जो IIT खड़गपुर और जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो IITs है, जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी सारी फैसिलिटीज़ IIT भिलाई में भी होगी, जैसे आपका हॉस्टल हो गया, प्लस आपका कैंटीन हो गया, लैब्स हो गए, कंप्यूटर लैब्स हो गए, सारी चीज़ IIT भिलाई में होगी। और IIT भिलाई LNT द्वारा क्या प्लान है कि कितने बड़े एरिया में यहाँ पर IIT बनेगा, प्लस यहाँ की जो आबादी है उसे कहाँ शिफ्ट करने का प्लान है, ये आगे हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे चालू है, बस कुछ ही वर्षों में यहाँ पर लगता है कि IIT का काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं उस रोड में आगे, जेवरा सिरसा चौक आगे आएगा धमदा रोड की ओर, और मैं उस तरफ से भी आपको दिखाता हूं। मैंने अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो दिखाया था हूं, मैं आपको यहां से एक बार और आपको ओवर व्यू दिखा देता हूं पूरा। और अब हम लोग जाने वाले हैं उस रोड की ओर जहाँ पर वो पूरी ट्रक्स खड़ी हुई हैं, और उस रोड से आगे चल करके मैं दिखाता हूँ कि कितना आगे तक के IIT का काम जारी है और कितना अंदर तक के IIT का काम चल रहा है। देखिए दोस्तों सामने आप लोगों को जो दिख रहा होगा ये सारा पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है ये। और काफी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी जबरदस्त चल रहा है, विश्व स्तरीय कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है LNT कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं जेवरा सिरसा गांव के चौक पे धमदा रोड पे, और लॉकडाउन जैसा यहां पे कोई किसी प्रकार का माहौल तो लग नहीं रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सीधी रोड जो जाती है ये धमदा रोड के लिए जाती है, और अब मैं राइट टर्न ले रहा हूं वापस जाने के लिए IIT की ओर। Bye-bye.
तो दोस्तों ये था वीडियो, ये था व्लॉग हमारा जो आईआईटी भिलाई के ऊपर था। मैंने आपको दिखाया कि आईआईटी में एलएनटी अभी किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कर रहा है और किस स्टेज में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी तक के पूरा हो चुका है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मन में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जुनवानी खमरिया गांव है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर स्टे करती है, एक डेंस आबादी यहाँ पर स्टे करती है। आईआईटी के आने के कारण ये तो स्वाभाविक है कि यहाँ की पॉपुलेशन को भी इफ़ेक्ट होगा, यहाँ भी ये पॉपुलेशन प्रभावित होगी, प्लस यहाँ पर जो जेवरा सिरसा में जिस प्रकार के जो भी कारखाने हैं वो भी प्रभावित होंगे। आने वाले समय में हमको ये देखना है कि आईआईटी का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से और बढ़ेगा, उसका एरिया क्या है, प्लस यहाँ पर कौन कौन से व्यापार और कौन कौन से घर यहाँ पर प्रभावित होंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, इस प्रकार के और भी वीडियोस एलएनटी कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो किया जा रहा है यहाँ पे निर्माण आईआईटी का, उसके वीडियोस हम आप लोगों के सामने लेकर के जरूर आएंगे। और दोस्तों ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही यहाँ की डेंस आबादी प्रभावित हो, मगर यहाँ के जो युवा जो बेरोजगार हैं एलएनटी कंस्ट्रक्शन द्वारा, उन्हें यहाँ पर आज आईआईटी बनने से यहाँ पर उन्हें रोजगार भी मिला है। तो किसी भी चीज़ का अगर कोई डिसएडवांटेज होता है तो उसका एडवांटेज भी होता है, और जब ये भिलाई में आईआईटी बन के खड़ा हो जाएगा तो भिलाई और भी गौरवान्वित हो जाएगा और यहाँ पर कई जॉब्स यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स लोगों को मिलेंगी, प्लस यहाँ के युवा छात्र जो यहाँ से पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के निकलेंगे वो पूरे विश्व में नौकरी करेंगे और नौकरी करने के साथ ही लाखों करोड़ों के पैकेजेस अर्न करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से आईटी के ऊपर एक वीडियो, एक व्लॉग। अब मैं दोस्तों आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त महावीर जैन एंड वेलकम टू अवर चैनल व्लॉग सेंटर।